हेलो एवरीवन, सो टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट द एंटीफोरेसिस जो इलेक्ट्रोथेरेपी सब्जेक्ट है. इसके जो एंटीफोरेसिस टॉपिक है दैट इज द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. और साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ ये बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग टॉपिक है, क्योंकि आपकी तरफ से ये इतना ज्यादा डिमांड है, इतना ज्यादा रिक्वेस्ट आया मुझे कि मैम पर्सनली कि ये टॉपिक के बारे में आप प्लीज वीडियो बना दो. तो फाइनली मैं चली गई कि चलो ठीक है, आप लोग इतना ज्यादा बोल रहे हो तो एंटीफोरेसिस में बना ही देती हूँ. और साथ ही साथ क्या होता है कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. और एक और चीज देखोगे कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एंटीफोरेसिस के जो भी थ्योरी पार्ट है वो बहुत ही रेयर केस में मिलते हैं. तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जो एंटीफोरेसिस टॉपिक है इसकी मैं बहुत ही इजी वर्ड्स में, इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा सकूं, बता सकूं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस टॉपिक. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट आप लोग के लिए. जो भी डिस्प्ले में हैंड रिटन नोट्स दिखेंगे वो सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट में, जी हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल हो जाएंगे. कहां पे होंगे? टेलीग्राम पे. तो आपको करना क्या है कि इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां पे जाएं. टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो आप वहां पे जाकर के ज्वाइन करें. और पीडीएफ वहां पे है, पीडीएफ है और भी ढेर सारी चीज है. तो जितने भी मैं अभी तक जितने भी वीडियोस अपलोड की हूं वो सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स वहां पे अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में. तो आप बस आपको करना क्या है, एक क्लिक करना है, जाकर के वहां पे पीडीएफ डाउनलोड करना है और पढ़ना है बिंदास होकर के. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड, है ना. एंटीफोरेसिस टॉपिक के अंडर में क्या क्या पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो चीज मैं आपको पहले मेंशन कर देती हूँ. सबसे पहले कि एंटीफोरेसिस का इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे. उसके बाद क्या जानेंगे कि ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज दिस एंटीफोरेसिस वर्क. उसके बाद क्या हम जानेंगे कि व्हाट इज एक्टिव एंड डिस्पर्सिव. एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या है, डिस्पर्सिव इलेक्ट्रोड क्या है. फिर हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि आयंस क्या है, उसके पोलैरिटीज क्या है, फिर कैसे कैसे वो मेडिकल पर्पस में कैसे कैसे ये इस्तेमाल होता है. देन फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मैक्सिमम सेफ करंट डेंसिटी, देन मैक्सिमम सेफ करंट इंटेंसिटी, एंड फर्दर व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एंटीफोरेसिस. उसके बाद कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेंगे. उसके बाद क्या है कि मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड डेंजर के बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे, है ना. तो आइए बात करते हैं कि व्हाट इज एंटीफोरेसिस. ये जो टर्म एंटीफोरेसिस है ये दो वर्ड से मिलके बना है, एंटो एंड फोरेसिस. एंटो का मतलब होता है आयन एंड फोरेसिस का मतलब होता है ट्रांसफर, ट्रांसफर थ्रू द स्किन. ठीक है, ये क्या है कि ये किस तरीके का प्रोसेस है. इट इज नॉन इन्वेसिव प्रोसेस. एक होता है इन्वेसिव और दूसरा होता है नॉन इन्वेसिव. तो जो इन्वेसिव प्रोसेस होता है दैट मीन्स कि कटिंग और ब्रेकिंग ऑफ द स्किन, ब्रेकिंग ऑफ द स्किन थ्रू द मेडिकल इंस्ट्रूमेंट. तो उसका जो ऑपोजिट है वो क्या है, नॉन इन्वेसिव. नॉन इन्वेसिव में कोई भी कटिंग शटिंग कुछ नहीं होते है ना, तो वहां पे कोई भी ब्रेकडाउन नहीं होते. फॉर एग्जांपल कि अगर एक्सरे की बात करें, जब हम एक्सरे करते हैं या फिर ब्लड प्रेशर को जब हम चेक करते हैं तो उसमें कोई भी कटिंग करते हैं स्किन का? नहीं करते हैं. तो दैट इज द नॉन इन्वेसिव प्रोसेस. तो जो एंटीफोरेसिस है वो क्या होता है, नॉन इन्वेसिव प्रोसेस होता है. ठीक, एंड इट इज अ मेथड ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी. तो इलेक्ट्रोडायनेमिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक का मतलब क्या होता है कि कोई जो चार्ज्ड बॉडी होता है दैट इज इन मोशन एंड विच प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. तो इट इज इलेक्ट्रोडायनेमिक. तो जो एंटीफोरेसिस है ये क्या है, इट इज नॉन इन्वेसिव प्रोसेस एंड इट इज अ मेथड ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक ट्रांसडर्मल. ट्रांसडर्मल का मतलब क्या होता है, अक्रॉस द स्किन. दैट मीन्स कि ड्रग इज एब्सॉर्ब थ्रू द स्किन इन टू द ब्लड स्ट्रीम, है ना. कि मतलब कि जो ड्रग है वो एब्सॉर्ब कर रहा है कैसे, थ्रू द स्किन, अक्रॉस द स्किन, इनटू द ब्लड स्ट्रीम. दैट इज द ट्रांसडर्मल. तो एंटीफोरेसिस इज नॉन इन्वेसिव प्रोसेस एंड इट इज अ मेथड ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी. ठीक है, अब ये जो यहाँ पे आप देख लिए कि ये क्या होता है कि आयन का ट्रांसफर हो रहा है ना. तो जब आयन का ट्रांसफर हो रहा है थ्रू द स्किन आयन का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन कैसे, थ्रू द इलेक्ट्रोडायनेमिक. तो मतलब कि यहाँ पे किस तरीके का करंट इस्तेमाल होगा, तो इसमें कांस्टेंट डायरेक्ट करंट का इस्तेमाल होगा, है ना. तो ट्रांसफर ऑफ आयंस ऑफ ड्रग इनटू द बॉडी थ्रू द स्किन बाय द यूज ऑफ कांस्टेंट डायरेक्ट करंट. मतलब कि जो एंटीफोरेसिस है ये इसमें क्या होगा कि इसमें आयन का ट्रांसफर होगा कैसे, ट्रांसडर्मली होगा. दैट मीन्स कि अक्रॉस द स्किन होगा, इनटू द ब्लड स्ट्रीम होगा. कैसे होगा, बाय द यूज ऑफ डायरेक्ट करंट, कॉन्स्टेंट डायरेक्ट करंट होगा.
यहाँ पे शॉर्टली डिस्क्राइब किए हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटोफोरेसिस एंड फोनोफोरेसिस। तो जो एंटोफोरेसिस है इसमें आप देख लिए कि इसमें जो आयन का ट्रांसफर हो रहा है टिश्यू में कैसे हो रहा है, थ्रू द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, मतलब कि इसमें इलेक्ट्रिकल करंट का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जो फोनोफोरेसिस है इसमें भी सेम वही चीज होता है कि जो मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होता है टिश्यू में, लेकिन इसमें किसका इस्तेमाल होता है, यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड, इसमें अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें इलेक्ट्रिकल करंट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फर्दर टॉकिंग अबाउट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एंटोफोरेसिस, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो एंटोफोरेसिस होता है ये जो डिवाइस है इसके पास इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है, अब इसके पास दो इलेक्ट्रोड होते हैं, तो जब इलेक्ट्रोड होंगे तो उसके पास पोलैरिटी भी होगा। तो एक होता है पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रोड होता है और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज का। तो जो पॉजिटिव चार्ज के जो इलेक्ट्रोड होते हैं उसे क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे, और जो नेगेटिव चार्ज के होते हैं उसे क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे, है ना। तो यहाँ पे एक हो गया कैथोड इलेक्ट्रोड और दूसरा हो गया एनोड इलेक्ट्रोड। हाँ, तो जब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो एंटोफोरेसिस है इसका काम ही क्या है कि आयन्स को, जो आयन्स है, आयन्स क्या है, मतलब यहाँ पे जब हम ट्रीटमेंट पर्पस की बात कर रहे हैं तो जो आयन्स है वो क्या है कि मतलब कि जो ड्रग इस्तेमाल की जा रही है इसमें, तो जो ड्रग है इट हैज आयनिक पोलैरिटी, मतलब कि इसके पास पोलैरिटी होना जरूरी है। जो भी ड्रग इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, जो भी एंटोफोरेसिस के कंडीशन में जो भी ड्रग का इस्तेमाल किया जाएगा तो वो सबके पास पोलैरिटी होना जरूरी है। इट शुड नॉट बी न्यूट्रल, इट शुड नॉट बी न्यूट्रल, इट शुड हैव पोलैरिटी, मतलब कि या तो उसके पास नेगेटिव पोलैरिटी हो या तो उसके पास पॉजिटिव पोलैरिटी हो, लेकिन होना है, तभी ना वो जो आयन है उसको ट्रांसफर करना है, है ना। अब यहाँ पे ये देखें कि अब जो आयन है वो ट्रांसफर हमारे बॉडी में करेगा कैसे है? तो जब करेगा कैसे, देखें यहाँ पे एक चीज हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देख लें कि ये कैथोड है, ये जो इलेक्ट्रोड है एक कैथोड है और एक एनोड है, ठीक है, और ये स्किन पे ये प्लेस किया गया है। अब जो भी आयन, जो भी ड्रग है जो कि आयनिक फॉर्म में है, दैट मीन्स कि या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, तो जो कैथोड है दैट मीन्स कि इसके पास नेगेटिव है और ये जो एनोड है इसके पास पॉजिटिव है, ठीक है, कैथोड नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर यहाँ पे हम जो भी ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हैं, देखें यहाँ पे जो भी ड्रग का इस्तेमाल करेंगे वो जो भी इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रोड के अंडर में प्लेस किया जाएगा कोई भी ड्रग को, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड के अंडर में, सॉरी, जो इलेक्ट्रोड है इलेक्ट्रोड के अंडर में हम प्लेस करेंगे जो भी आयन्स है, जो भी ड्रग है जिसके पास पोलैरिटी है तो उसको अंडर में प्लेस करेंगे। तो अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव है। अगर यहाँ पे हम जो भी ड्रग है उसके पास, अगर सपोज करके उसके पास पॉजिटिव पोलैरिटी है, सपोज करके इसके पास पॉजिटिव पोलैरिटी है, मतलब जो भी यहाँ पे ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हैं इसके पास पॉजिटिव पोलैरिटी है, तो क्या ये जो स्किन है, ये स्किन है, तो स्किन से ये ट्रांसफर होगा, स्किन के अंदर ये पेंट्रेट कर पाएगा, हाँ नहीं ना कर पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अनलाइक चार्ज हो गया है। देखें यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दैट इज क्या है, ये अनलाइक चार्ज है, तो जो अनलाइक चार्ज होता है वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर यही कंडीशन में अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हम कैथोड है, ये नेगेटिव है, अगर यहाँ पे हम ऐसा ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके पास नेगेटिव ही पोलैरिटी है, नेगेटिव ही पोलैरिटी है, मतलब कि ऐसा ड्रग जिसके पास नेगेटिव पोलैरिटी है और उसको हम सेम टाइप के चार्ज के इलेक्ट्रोड पे हम रख रहे हैं, जैसे कि कैथोड है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है और जो ड्रग है उसके पास भी नेगेटिव ही चार्ज है, तो जब दोनों लाइक चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा तो इसलिए ये इसके साथ स्टिक हो जाएगा और ये स्किन पे तो पेंट्रेट करेगा नहीं, लेकिन जो अनलाइक चार्ज, सॉरी, जो लाइक चार्ज है, जो नेगेटिव है और जो नेगेटिव है, दोनों लाइक चार्ज है, तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा एक दूसरे को। तो जब रिपेल करेगा तो ये जो इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रोड से स्किन में आसानी से पेनिट्रेट हो जाएगा, है ना। तो आसानी से पेनिट्रेट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है। तो वही, यही मेन बेसिक प्रिंसिपल है एंटोफोरेसिस, इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है।
तो वही चीज मैं यहाँ बोल रही हूँ, क्या है कि जो इलेक्ट्रोड है इसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, जिसे कहते हैं कैथोड और एनोड। तो प्लेस द आयन अंडर एन इलेक्ट्रोड विद द सेम चार्ज। देखें यहाँ पे सेम चार्ज क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन क्रिएट किया जाएगा, तभी ना वो स्किन में पेनिट्रेट करेगा। तो जो नेगेटिव आयन जो होते हैं, जो एसिड ड्रग जिसके पास नेगेटिव चार्ज होते हैं, वो हम कैथोड के अंडर में हम रखेंगे, कैथोड इलेक्ट्रोड के अंडर में हम प्लेस करेंगे, और जो पॉजिटिव आयन होते हैं उसको हम एनोड के अंडर में रखेंगे, तभी ना रिपल्शन होगा। सिंपल तौर पे यहाँ पे ये देख लो कि जो भी लाइक चार्जेस हैं, ये नेगेटिव दोनों को, ये इलेक्ट्रोड है और ये आयन है, ये ड्रग है और ये आयन है, दोनों को साथ में रखेंगे तो दोनों में रिपल्शन होगा, और जब रिपल्शन होगा तभी ना स्किन में पेनिट्रेट करेगा, है ना। तो यही जो टेक्निक है, ये जो टेक्निक है, दिस टेक्निक इज नोन एज टेक्निक ऑफ आयन ट्रांसफर, ठीक है, इसी को क्या कहेंगे, टेक्निक ऑफ आयन ट्रांसफर। और इसमें क्या होगा कि इसमें हम ये जो ट्रांसफर हो रहा आयन, तो इसमें हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल करंट का इस्तेमाल करें, ऑब्वियसली। तो क्या हो रहा है कि यूजिंग इलेक्ट्रिकल करंट एज अ ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट आयन विल माइग्रेट टू द इलेक्ट्रोड ऑफ ऑपोजिट चार्ज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ऑब्वियसली आप यहाँ पे एक चीज देख लें, यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे जब रिपल्शन हो रहा है ना, ये जो लाइक चार्ज है, तो लाइक चार्ज क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो जब रिपेल कर रहा है तो यहां से ये जो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ब्लड स्ट्रीम है, तो ब्लड स्ट्रीम में ये आ गया, और यहां से क्या करेगा, ये क्या है, एनोड है, दैट मीन्स कि ये ऑपोजिट चार्ज है। तो यहां से जो भी आयन्स है, यहाँ पे जो भी आयन्स है, वो अपने ऑपोजिट चार्ज की तरफ जाकर के अट्रैक्ट करेगा, तो ये ब्लड स्ट्रीम में गया और ब्लड स्ट्रीम से जाकर के माइग्रेट करेगा टुवर्ड्स द ऑपोजिट चार्ज। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है, तो वही है कि जो भी आयन से वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और रिपेल करके माइग्रेट करेगा टू द इलेक्ट्रोड ऑफ ऑपोजिट चार्ज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईएमएफ, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे दो तरह का इलेक्ट्रोड है, एक है एक्टिव इलेक्ट्रोड और दूसरा है डिस्पर्सिव इलेक्ट्रोड। तो अब यहाँ पे ये चीज जान लें कि एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या होता है, डिस्पर्सिव इलेक्ट्रोड क्या होता है। देखें, हम जो भी ड्रग है, हाँ, तो या तो हम पॉजिटिव पोलैरिटी का ड्रग इस्तेमाल करेंगे या तो नेगेटिव पोलैरिटी का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो जो इलेक्ट्रोड है, तो किसी एक ही इलेक्ट्रोड पे हम आयन्स को प्लेस करेंगे ना, दोनों पे तो करेंगे नहीं, दोनों पे एट अ टाइम तो करेंगे नहीं, किस पे करेंगे, एट अ टाइम एक ही इलेक्ट्रोड पे हम आयन को प्लेस करेंगे, ठीक है। तो जिस पे हम आयन को हम प्लेस करते हैं, जिस इलेक्ट्रोड पे हम आयन को प्लेस करते हैं, और जो दूसरा जो इलेक्ट्रोड है वो ऐसे ही जो बस जाता है टू कंप्लीट द सर्किट, मतलब कि ऐसा इलेक्ट्रोड जिसपे हम आयनिक सोल्यूशन प्लेस करते हैं, और जो दूसरा इलेक्ट्रोड जिसको बस ऐसे ही हम रखते हैं टू कंप्लीट द सर्किट। तो जिस इलेक्ट्रोड पे हम आयनिक सोल्यूशन रखते हैं उसे हम कहते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड, और जो दूसरा इलेक्ट्रोड जो बच जाता है, जिसे हम सिर्फ इस्तेमाल इसलिए करते हैं टू कंप्लीट द सर्किट, दिस इज कॉल्ड द डिस्पर्सिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। समझे, क्या है एक्टिव इलेक्ट्रोड, एक्टिव इलेक्ट्रोड वो होता है कि जिसपे हम आयनिक सोल्यूशन रखते हैं, जिसमें हम आयनिक सोल्यूशन जिसके अंडर हम प्लेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एक्टिव इलेक्ट्रोड, और जो दूसरा इलेक्ट्रोड जो बच जाता है, दैट इज कॉल्ड द डिस्पर्सिव इलेक्ट्रोड, जो कि टू कंप्लीट द सर्किट, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए जो दूसरा इलेक्ट्रोड हो, दैट इज कॉल्ड द डिस्पर्सिव इलेक्ट्रोड। अब ये जो एक्टिव इलेक्ट्रोड है, इसको हम ट्रीटमेंट इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं या फिर डिलीवरी इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, और ये डिस्पर्सिव इलेक्ट्रोड है, इसको हम इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड भी बोलेंगे, इनएक्टिव इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं, या फिर रिटर्न इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज फिर से हम बता दें कि एक्टिव इलेक्ट्रोड ऐसा इलेक्ट्रोड है कि जिसपे हम आयन का सोल्यूशन हम प्लेस करते हैं, और जो दूसरा इलेक्ट्रोड जो बच गया है उसको हम क्या करते हैं कि इट इज ओनली यूज टू कंप्लीट द सर्किट, उस इलेक्ट्रोड को हम क्या कहेंगे, डिस्पर्सिव इलेक्ट्रोड कहेंगे। आप जैसे इस डायग्राम में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, देखें ये दोनों क्या है, दोनों इलेक्ट्रोड है, हाँ, तो यहाँ पे ये क्या है, ये स्किन का लेयर है, ये सबक्यूटेनियस का लेयर है, और ये ब्लड वेसल है, ठीक है। अब यहाँ पे लिडोकेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। लिडोकेन क्या है, ड्रग है जिसके पास पॉजिटिव पोलैरिटी होता है, ठीक। तो जो पॉजिटिव पोलैरिटी है, तो हम प्रिंसिपल में क्या बताए थे कि रिपल्शन वाला, कि रिपेल करना है, लाइक चार्ज को एक साथ रखना है, दैट मीन्स कि ये जो इलेक्ट्रोड है इसके पास पॉजिटिव पोलैरिटी है, और जो लिडोकेन है इसके पास पॉजिटिव पोलैरिटी है, दोनों को हम साथ में रखेंगे।
तो इसके नीचे रखा गया है इलेक्ट्रोड के नीचे किसका कौन सा रखा गया है, पॉजिटिव पोलैरिटी, मतलब कि सेम चार्ज को रखा गया है। क्यों रखा गया है? टू रिपेल। तो ये रिपेल करेगा, जब रिपेल करेगा तभी ना स्किन में पेंट्रेट करेगा, और जब स्किन में पेंट्रेट किया तो उसके बाद फर्दर हम क्या बताए थे कि यहां से स्किन में पेंट्रेट करेगा एंड फर्दर ये माइग्रेट करेगा टुवर्ड्स द ऑपोजिट डायरेक्शन, टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोलैरिटी, है ना। तो यहां पे ये चीज देखें कि ये देखें कि यहां पे जो ड्रग, यहां पे ड्रग प्लेस किया जा रहा है तो इसे हम क्या कह रहे हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड, और यहां पे जस्ट टू कंप्लीट द सर्किट तो इस इलेक्ट्रोड को क्या कहेंगे, डिस्पर्सिव इलेक्ट्रोड कहेंगे। अब जो नेक्स्ट डायग्राम है इसमें आप देख लें, देखे इसमें, अब इसमें क्या होता है कि इसमें क्या है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक। अब यहां पे देखिए कि यहां पे क्या है कि यहां पे डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल किया गया, डेक्सामेथासोन जो ड्रग होता है इसके पास नेगेटिव पोलैरिटी होते हैं, तो चूंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो हम यहां पर ना इस्तेमाल करेंगे, इसके नीचे हम रखेंगे किसको, जो डेक्सामेथासोन है जिसके पास नेगेटिव पोलैरिटी है, तो हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड के नीचे ही अंडर ही हम प्लेस करेंगे, है ना। तो हम प्लेस करेंगे क्यों, कि ताकि रिपल्शन हो। तो अब इस इलेक्ट्रोड के नीचे हम प्लेस कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डिस्पर्सिव हो जाएगा, और फर्दर ये माइग्रेट करेगा। देखें जैसे कि यहां पे था कि यहां पे प्लेस किया गया है ड्रग तो इसे हम कहेंगे एक्टिव और इसे कहेंगे डिस्पर्सिव, यहां पे प्लेस किया गया है ड्रग तो इसे कहेंगे एक्टिव इलेक्ट्रोड और इसे क्या कहेंगे, डिस्पर्सिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो यही क्या है कि इट इज द, ये जो फिगर है वो क्या है, लाइक चार्ज रिपेल का जो मैकेनिज्म है दैट इज इट। तो वही जो ऊपर मैं आपको सब चीज बताई तो उसी का यहाँ पे वर्ड फॉर्म में दिया हुआ है कि क्या है कि जो डेक्सामेथासोन है जो कि नेगेटिव चार्ज है और जो लिडोकेन है दैट इज पॉजिटिव चार्ज, तो जो नेगेटिव चार्ज है उसको हम सेम इलेक्ट्रोड, सेम टाइप के इलेक्ट्रोड, जैसे कि कैथोड है तो कैथोड के पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो डेक्सामेथासोन चूंकि नेगेटिव चार्ज होता है तो वो कैथोड पे ही रहेगा, और ये क्या होता है कि जो एक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं वो वहीं पे प्लेस करेंगे जहां पे अफेक्टेड बॉडी पार्ट है, मतलब कि जो भी बॉडी पार्ट अफेक्टेड है वहीं पे हम एक्टिव इलेक्ट्रोड को प्लेस करेंगे। तो जो डेक्सामेथासोन है तो वो कैथोड इलेक्ट्रोड पे हम प्लेस करके और जो भी अफेक्टेड पार्ट है तो उसी के अंडर में हम प्लेस करेंगे, और फर्दर वो क्या करेगा कि वो रिपेल करेगा और जो पेशेंट स्किन है पेशेंट स्किन में पेंट्रेट कर जाएगा। और वही जो लिडोकेन है वही सेम चीज कि ये भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के अंडर में ही रखेंगे, और कहां पे रखेंगे, एट द साइट ऑफ अफेक्टेड बॉडी पार्ट, और फर्दर वो जो लिडोकेन है वो क्या करेगा, पेशेंट के स्किन को पेंट्रेट करके और वो क्या करेगा, वो फर्दर वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। यहाँ पे ये देखें कि जो भी ड्रग है तो जो एंटीफ्रेस में जो भी ड्रग का इस्तेमाल किया जाए तो वो जो डिलीवर हो रहा है तो ड्रग डिलीवर इज लोकल बट ओनली पेनेट्रेट अ फ्यू मिलीमीटर्स। ये जो पेनेट्रेशन हो रहा है, आयन का पेनेट्रेशन हो रहा है, वो बहुत ही फ्यू मिलीमीटर्स तक ही पेनेट्रेट करता है, पूरा डीपली पेनेट्रेट नहीं करता है, और जो ड्रग का डिलीवरी होता है वो लोकल होता है। लोकल इन सेंस का मतलब क्या कि जिस एरिया में, जिस बॉडी पार्ट के जिस एरिया में हम एंटीफोरेसिस का इस्तेमाल कर रहे हैं बस उसी एरिया को, बस उसी पर्टिकुलर एरिया को ही वो अफेक्ट करेगा, पूरे एरिया को, पूरे बॉडी पार्ट को अफेक्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कि हम एंटीफोरेसिस में हम जो आयन का ट्रांसफर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या अगर हम क्वाड्रिसेप की बात करें, ठीक है, तो जो थाई पे जो क्वाड्रिसेप मसल है, तो क्वाड्रिसेप मसल की हम बात करें तो वहां पे एंटीफोरेसिस मेडिकेशन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं होगा कि हम जो थाई है तो थाई पे हम एंटीफोरेसिस दे रहे हैं तो वो शोल्डर में उसका जो ड्रग है, उसका जो आयन है वो शोल्डर तक पहुंच जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे कि इसमें नहीं होता है कि जैसे कि अगर हम आयम की बात करें, जैसे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की बात करें या फिर ओरल, ये ओरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, जो भी ड्रग हम ओरली लेते हैं या फिर थ्रू आयम लेते हैं, इंट्रामस्कुलर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो हम ओरली ले रहे हैं, आयम ले रहे हैं, लेकिन पूरे बॉडी में वो स्प्रेड हो जाता है, दैट मीन्स कि वो लंग में भी स्प्रेड हो जाएगा, लीवर में भी हो जाएगा, किडनी में भी हो जाएगा, एवरीवेयर वो स्प्रेड हो जाएगा। लेकिन एंटीफ्रेसिस कंडीशन में ये होता है कि वो लोकली ही सिर्फ ट्रांसमिट करता है, लोकली ही सिर्फ डिलीवर होता है। होप कि अंडरस्टैंड कर लिए होंगे, है ना, और वो बहुत ही फ्यू मिलीमीटर्स, तो इसीलिए क्या होता है कि वो डीपली पेनिट्रेट नहीं करता है, तो That is it. तो जो ड्रग है, ड्रग मस्ट बी आयनाइज्ड, ऑब्वियसली ड्रग आयनाइज होना चाहिए, इसके पास ये नेट चार्ज होना चाहिए, न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। जो नेगेटिव ड्रग होता है वो कैथोड के ऊपर प्लेस होना चाहिए, कैथोड पे प्लेस होना चाहिए, और फर्दर वो माइग्रेट करेगा टुवर्ड्स द एनोड, और जो पॉजिटिव ड्रग है वो एनोड पे प्लेस होना चाहिए एंड फर्दर वो माइग्रेट करेगा टुवर्ड्स द कैथोड।